हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज ज़्यादा सीरीज़ या फिर मूवीज़ रिलीज़ नहीं हुई हैं, तो फिर मैं उस टाइम पे रुक करता हूँ ऑडिबल की तरफ, और वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जिसे कहते हैं ना ऑडियो सीरीज़ आई है, जिसका नाम है साइको संयम। हाँ जी, नाम जितना टेढ़ा है उतनी ही टेढ़ी ये सीरीज़ है। आपने बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री देखी होंगी, ये बिना देखे आपको डरा देती है, क्योंकि इस तरीके से इसको शूट किया गया है कि जो मौत का मंजर होता है, जिसने मर्डर किए हैं, किस हैवानगी से करे हैं, वो सब आपको सुनाई देता है। और ये सब सुनाई देता है कि जो मेन कल्प्रिट है उसने किस किस तरीके से 20 लड़कियों को उल्लू बना के उसको अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका मर्डर किया होता है। अब तो चलो ये तो ठीक है, अब मुद्दा ये है कि वो इसको कन्फेस भी कर लेता है, और जब वो कन्फेस कर लेता है तो मुद्दा ये है कि एक वकील साहब को ये साबित करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि जब वो कन्फेस कर लेता है तो वो कस्टडी के अंदर होता है, और कस्टडी के अंदर बोली हुई कोई भी चीज़ एज पर लॉ एक सबूत के तौर पे नहीं साबित हो सकती है। तो ये लॉयर क्या कुछ करता है उसको साबित करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और एक एक करके कैसे खुलासे होते हैं, ये सब लड़कियां जो हैं वो मर चुकी हैं तो सबूत आएगा कहाँ से। मीनवाइल एक होप जो है एक छाया नाम की लड़की से आती है, उसका क्या लिंकेज है इससे, और वो छाया क्या कर पाती है, ये सब आपको देखने को मिलता है। मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाले हैं, कि जो साइकोलॉजिकल तरीके से ये इंसान जो कैरेक्टर है, जो किलर है, वो खेलता है, वो आपको ऐसा लगेगा कि अपने दिमाग में वो कुछ समाज का भला करने निकला है। तो ये सब चीज़ें आपने ट्रेलर में, जो इसका ऑडियो ट्रेलर है उसके अंदर भी सुनी होंगी, लेकिन वो इसको किस तरीके से जस्टिफाई करता है, क्या ये उसकी दलीलें कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड भी कर पाती है कि नहीं कर पाती, यही सब इंटरेस्टिंग हो जाता है। छाया का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या वो आगे आके कुछ गवाही दे पाती है, क्या उसका कोई सबूत फर्निश कर पाती है कि नहीं कर पाती है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और साथ ही साथ में जो इसका प्ले है सारा का सारा, वो आपको ऐसा लगता है कि जेन्युइनली कोई वेब सीरीज चल रही है, क्योंकि म्यूज़िक बैकग्राउंड साउंड सो टू से बिल्कुल इतनी ज़्यादा रियल हैं कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में हैमर बढ़ रही है या फिर ये आदमी कोई कत्ल कर रहा है तो जैसे फुचुक की आवाज़ आएगी अगर किसी की आँख में मार दिया है, इतनी बारीकी की जो साउंड्स हैं वो भी ध्यान दिया गया है। और इसके जो प्रोड्यूस किया है जिस प्रोडक्शन हाउस ने, वो रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते थे वो अगर कुछ ऐसा ऑडियो सीरीज़ लेके आते हैं ऑडिबल के ऊपर, तो कितनी गहराई से स्टोरी सोची होगी, और साथ ही साथ में गहराई से आर्टिस्ट लिए होंगे। आर्टिस्ट बहुत बेहतरीन है, जिन्होंने भी अपनी वॉइस दी है उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत कमाल की है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसको ज़रूर सुनो, आपको उतना ही स्वाद आएगा जो आप किसी वेब सीरीज़ को देख के आता है। इनफैक्ट यहाँ पर क्योंकि आप अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हो तो शायद कुछ एक्स्ट्रा ही आ जाएगा। तो मेरे को बहुत स्वाद आया इसको देख के, सुन के, एक अपना वर्ल्ड बनाया मैंने, एक अपने किरदार जो है बोल रहे हैं उनकी शक्लें अपने आप मैंने क्रिएट करी, क्योंकि यहाँ पर कोई किरदार उस तरीके के तो है नहीं जो शक्लें आप देख सकते हो, क्योंकि कोई शो तो है नहीं, ऑडिबल है। यहाँ पर सब जो कहानियाँ होती हैं ये आपको सिर्फ सुनाई देती हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, आप ऑफिस पहुँचने में आपको टाइम लगता है, या जो भी है किसी भी वजह से आप टीवी नहीं देख पाते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ेदार है। और अगर आप 199 का इसमें पैकेज ले लेते हैं तो फिर आप काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी सुन सकते हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मेरा जाते आते मूवी शूवी स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 9/10। इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज़, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोरालिटीज़ और जस्टिस की भी बात होती है। बाय बाय।